Welcome back to my channel. आज मैं एक और FF लेके जिसका नाम है Mafia and Wanted Criminal Wangxian Omagavase FF. तो किसी ने मुझे कहा था कि ना Wangxian Omagavase FF लेके है, तो चलिए मैं आज न्यू FF स्टार्ट करी और ये सीरीज है, ये वन शॉट नहीं है और ये बहुत स्पाइसी होने वाला है, बहुत मज़ेदार. तो अब देखते हैं जहाँ पे न्यूज़ में है कि दुनिया जो एशिया के दो सबसे खतरनाक वॉन्टेड क्रिमिनल्स में से एक है, वांटेड क्रिमिनल, जो कि आज तक उसने बहुत सारे क्राइम्स किए हैं लेकिन आज तक वो किसी की कोई उसको पकड़ नहीं सका. और जहाँ पे हमारा दूसरा क्रिमिनल है, एक्चुअली वो वांटेड क्रिमिनल नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, नहीं, एक साइड पे क्रिमिनल और दूसरी साइड पे माफिया किंग, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है. ये दोनों माने जाते हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस क्योंकि आज तक इन दोनों को कोई नहीं पकड़ सका और ये टॉप पे आए हैं हर उसमें अपने डार्क वर्ल्ड में. मतलब कि माफिया वर्ल्ड कौन सा होता है, अंडरग्राउंड वर्ल्ड गाइस क्या होता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या है. अगर किसी को पता प्लीज़ मुझे बता दीजिए क्योंकि अच्छा चले तो स्टार्ट करते. जहाँ वांटेड क्रिमिनल वो हमारा है Wangxian विंग और वो वांटेड क्रिमिनल है और जाना जाता है हीलिंग पेट्रियार्क के नाम से. और जो हमारा माफिया किंग है हमारा लानवांग जी, वो जाना जाता है हंगुनजुन के नाम से. गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, ये हंगुनजुन ही है ठीक है. और वो जाना जाता है हंगुनजुन के नाम से लानवांग जी इस तरह. तो अब देखते हैं ये स्टोरी कैसे होने वाली है. और ये ओमेगावर्स है जिसमें हमारा जो विंग है वो एक ओमेगा है और जो हमारा वांग जी है वो एक अल्फा है. और ये इसकी स्टोरी ज़्यादा लंबी नहीं होगी लेकिन मज़ेदार होगी. तो अब हम सीन देखते हैं कि जो वांग जी बैठा हुआ है अपने कैबिन में, अपने ऑफिस के कैबिन में, और वहाँ एक पर्सन आया जो फिर कहते हैं ना किंग. तो फिर कहते हैं जो तुम्हें सारी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई. तो फिर वो जो पर्सन आया होता है वो असल में होता है वांग जी का डिटेक्टिव होता है. तो वो कहते हैं कि ना किंग ज़्यादा तो नहीं मिली लेकिन सिर्फ दो चीज़ें पता चली उनके बारे में. तो फिर ना जो वांग जी होता है वो अपनी चेयर मोड़ के ना फिर उस पर्सन को फेस करता है. फिर कहते हैं क्या, कहते कि ना एक जो ये जो वॉन्टेड क्रिमिनल है इसका नाम Wangxian है और ये इसके एक और इसके दो सिबलिंग्स भी हैं, है अडोप्टिव लेकिन वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसका नाम जियांग यानी है, जो कि वेंसुली क्या नाम था यार उस पीकॉक का क्या नाम था, जो भी था ना वो है. और जो सेकंड है उसका सिबल जो उसका ब्रदर है, ये इन दोनों के लिए बहुत ही पागल है, जैसे इनके लिए कुछ भी कर सकता है. और लेकिन जो इसकी सिस्टर है अडॉप्टिव सिस्टर वो यहाँ पे नहीं है, वो मैरिड है और वो US में है. और जो इसका ब्रदर है उसका नाम है जियांग चैंग, तो वो उसके साथ ही रहता है और वो इन दोनों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है. तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है. तो फिर ये देखिए ना किंग वैसे आप क्या करने का सोचे, कहते हैं कि ना अगर कोई पावरफुल है या फिर डेंजरस है और ये तो टॉप पे है तो इसे तो मेरे साथ होना चाहिए. तो फिर कहते हैं ना बट किंग आपको लगता है ये मानेगा, तो फिर कहते हैं ना अभी तो मैं बोला वो अपने बहन भाई के लिए अपने सिबलिंग्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं. तो फिर कहते हैं कि ना किंग अब आप क्या सोच रहे हैं, कहते हैं कि ना इसके भाई को किडनैप कर लो. तो फिर कहते हैं बट किंग अगर ये ना माना या फिर इसको गुस्सा आ गया कुछ ऐसा हो गया तो फिर ना वो उसकी तरफ गुस्से से देखता है. तो फिर कहते हैं सुरकी, कहते हैं जितना कहा है उतना करो और जाके गार्ड्स को ऑर्डर दो कि जो उसका भाई है जियांग चैंग उसको जाके किडनैप करें. डिटेक्टिव होता है वो बो करके चला जाता है और फिर कहते हैं कि Wangxian तुम्हें अपनी गैंग में ला के आऊँगा, या तो फिर वो इस तरह बोलते हैं. और एक्चुअली गाइस वांग जी ने बहुत सुना होता है विंग के बारे में क्योंकि वो एक जो शूटिंग में है वो बहुत परफेक्ट है और हर चीज़ में वो बहुत परफेक्ट है. और वांग जी उसको इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लास्ट मंथ जब वांग जी था वो एक क्रिमिनल को जैसे अपने जो एनिमीज था उनके साथ लड़ रहा था तो फिर उसकी एक शूट मिस हो गया था तो उसको बहुत गुस्सा आया था. तो फिर वो जैसे शूट एक और करने लगा था अपने गार्ड को करने लगा था तो जो हमारे यही पैटे यानी Wangxian था उसने वांग जी के हाथ पे अपनी गन से फायर करके उसकी गन गिरा दी थी और उसकी तरफ स्मिट करके ना वहाँ से चला गया था. फेस वो नहीं देख पाया था तो क्योंकि उसका फेस ऊपर से कवर था लेकिन नीचे से नहीं, तो उसकी सिर्फ लिप्स नजर आए थे.
जी को इतना गुस्सा था, ये था कौन जिसने मेरी गन को शूट किया, मेरे ऊपर शूट किया, तो उसको इस चीज़ का गुस्सा था। तो उसके गार्ड्स ने बताया कि ये वांटेड क्रिमिनल वेवुशियन कह रही ये लोग पटरी आकर। तो फिर तब से वांग जी उसकी वैसे शूटिंग स्किल से इम्प्रेस हुआ था, लेकिन उसे कहा था कि ना मैं इसको पहले सफ़र कराऊंगा। लेकिन उसने बहुत विंग को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसको नहीं पकड़ पाया था। तो फिर अब उसने इस तरह का सोचा कि इसको किडनैप करके अपनी टीम में लाऊंगा और फिर उसको फिर टॉर्चर भी करूंगा और इसको इसके खिलाफ सारे सबूत जमा करके इसको टॉर्चर करूंगा। इस तरह का सारा सब कुछ इसे सोचा था अपने रिवेंज लेने के। तो गाइस हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि क्या होता है क्या नहीं, और विंग के बारे में क्या है, मतलब सारा कुछ इसके बारे में हम बात नहीं जानेंगे। तो चलिए तब तक टाटा स्टे सेफ बाय बाय।